चलो जी बताना शुरू करो फटाफट इसके बारे में, क्या क्या पता है सीएसए, कौन का सीएसए क्या होता है? रिले सर क्वेश्चन पाई वगैरह। आर एल, पाई आर आर एल टीएसए सर टीएसए होता है पाई आर ब्रैकेट में एल एल में प्लस आर प्लस आर प्लस आर वॉल्यूम सर 1/3 वन बाई पाई थ्री स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई एच आर स्क्वायर पाई आर एच स्क्वायर पाई आर एच स्क्वायर एच। तो इसको ऐसे याद रखना, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, देखो इसको इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। सर आपका आवाज इतना धीमा क्यों आ रहा है? धीमा आ रहा है? नहीं नहीं सर ठीक है, साउंड कम होगा। वही तो, ठीक है, ये सब देखिए याद सर रहेगा तीन फॉर्मूला। चीज याद करके आए थे। बहुत बड़ी बात है फिर तो। अब जैसे एक कोन होता है, इसमें स्लैंट हाइट और हाइट, इन सब का पता है सब कुछ? कोन के स्लैंट हाइट और हाइट के बारे में सब कुछ आइडिया है ना? यस सर, स्लैंट हाइट तो लेंथ हो गया ना। ना, स्लैंट हाइट और हाइट में अलग है। स्लैंट हाइट तुम्हारा ये बनता है, ये जो होता है एल से सर हम डिनोट बोले करते हैं। स्लैंट हाइट एल हो गया ना, हाँ एल हो गया, और ये तुम्हारा हाइट हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। और ये रेडियस हो जाता है। तो ये एक रिलेशन ये याद रखना, ये क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट आर ए स्क्वायर प्लस एच आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये ध्यान में रखोगे। ठीक है, और सर कुछ इसमें ये कैसे बतिया होता है सर? ये क्या वॉल्यूम ये? इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। याद कर लेना यार, सिखा सर दूंगा इसका कल। डेरिवेशन था एक बहुत अच्छा सा, कहाँ पढ़ी थी? पढ़े थे हम 2 ही दिन पहले पढ़े थे लेकिन हम भूल गए हैं सर। और किसी को पता है इसका डेरिवेशन तो बताओ। एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन एक है इसका, ठीक है, और अगर एक्चुअल डेरिवेशन इसका जानना है तो इसमें थोड़ा सा रुक जाओ, कभी बाद में डिस्कस कर देंगे, पहले खत्म कर लो ये चैप्टर फटाफट। बेसिक क्वेश्चन करा दे एकदम जल्दी 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 जल्दी। यस सर, ठीक है, क्या करवाया, समझ में नहीं आता ये सब चैप्टर में। चलो लिखो, आज भी हम फोटो नहीं क्लिक किए। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस दे रखा है, इसका बेस कैसा होगा? सर्कुलर शेप होता है उसका, सर्कुलर होता है बेस, ठीक है, तो उसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है 10 मीटर, हाइट दे रखा है 44 मीटर। तुमको बताना है लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग टेंट, ठीक है, इफ इफ विड्थ ऑफ क्लॉथ कैनवास, सॉरी विड्थ यहाँ पे कैनवास है ना, तो विड्थ ऑफ कैनवास इज 2 मीटर। बनाओ, सर 134.2 मीटर, 134 पॉइंट, 2 मीटर। बड़ा जल्दी बना ली। अरे तो सर इतने भी मंदबुद्धि नहीं है हम, थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में हो जाता है, चलो ठीक है, और किसी का आया? एक्सपेक्टेशन ही इतना खराब है कि क्या बोले एकदम। और किसी का आया? नेक्स्ट क्लास थोड़ा सर इम्पोर्टेंट आ होगा। गया। चलो ठीक है,
नेक्स्ट क्लास थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? उसमें अलग अलग तरीके का क्वेश्चन करा देंगे, कुछ जो थोड़ा हाई लेवल का रहेगा। 134.2 सबका आया? लक्ष्य, प्रवीण, रिद्धिमा एंड स्वयं, बताओ जी। यस सर। आ गया रिद्धिमा, प्रवीण? नहीं बना, बता। यस सर। नहीं बना? क्यों नहीं बना? अच्छा ये बताओ, लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग टेंट इफ विड्थ ऑफ कैनवास इज 2 मीटर, तो जितना कैनवास का एरिया होगा, कैनवास का जो एरिया होगा, यही तो तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा। सोच के बताओ, क्या ये सही है या गलत है? बोलो रिद्धिमा, जो कैनवास का एरिया है वही तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा। हाँ। तो बस कैनवास का एरिया, अब देखो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पता है, हाइट पता है, तो सीएसए ऑफ कोन निकाल लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टेंट का कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। जो कर्व सरफेस एरिया टेंट का निकलेगा उसके लिए पहले तुमको पाई आर एल, तो एल निकालना पड़ेगा। एल क्या हो जाता है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से एल क्या आ जाएगा? एल निकाल लेना, ठीक है? एल निकल आएगा तो तुम्हारा सी एस ए पता चल जाएगा। अब जो सी एस ए होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? एरिया ऑफ कैनवस हो जाएगा, ठीक है? बन जाएगा। अब जैसे सी एस ए कुछ आया तुम्हारा 25, तो 25 इक्वल्स टू एरिया ऑफ कैनवस, तो कैनवस तुम्हारा क्या होगा? रेक्टेंगुलर शेप रहेगा ना, तो L लेंथ निकालना है और इसका विड्थ 2 दे रखा है, तो L यहाँ से जैसे 12.5 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बना जाना, ठीक है या नहीं है? ठीक, समझ गए सर। समझ गई, बहुत बड़ी बात है फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेंट है, लिखो टेंट इज ऑफ द शेप राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर अप टू 3 अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है? And then become a right circular cone with maximum height of cone. इतना ही रहने दो। And height of tent लिख लो, and height of tent is 13.5 meter, ये पूरे height दे रखा है tent का, ठीक है? And radius of base is, अब दोनों का base, दोनों का जो circular base होगा वो same होगा ना, cylinder और cone का, बताओ क्या क्वेश्चन? yes, समझ में आया? सिलेंडर है और डायग्राम बना दीजिएगा प्लीज। डायग्राम बना देंगे सर, एक सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है वैसा ही ना डायग्राम होगा। हाँ, एंड रेडियस ऑफ बेस इज 14 मीटर, चलो बना देंगे। कैलकुलेट द, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? ऐसे सब क्वेश्चन तुमको क्लास 10 में बनाना है। Calculate the cost of painting the inner side of tent at the rate of
एट द रेट ऑफ 2 meter रुपीज 2 रुपीज 2 पर मीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक टेंट है जो अप टू, ये क्या बोल रखा है, इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू हाइट ऑफ 3 meter। टेंट है सर्कुलर सिलेंडर की तरह लेकिन हाइट 3 meter तक, और उसके बाद ये कोन वाला शेप ले ले रहा है। अरे ये सब देखी नहीं हो, सर्कस वगैरह नहीं गई है कभी? बस यही हो गया नहीं, घर में ही सर्कस है, तुमको जाने की जरूरत थोड़ी है सर। आपको मेरा मजाक उड़ाना तो उड़ाइए सर। अरे तो तुम ही को बोल रहे हैं, तो पहले से ही बंदर है तुम। सर रुपीस 2068 है क्या आंसर? हाँ रुपीस 2068, 13.5 meter टोटल हाइट हो गया ये टेंट का, और सिलेंडर कितने दूर तक है? 3 meter तक। तो ये कोन का हाइट कितना हो जाएगा? 10.5 meter। समझी हिमांगी? बन जाएगा? बन गया। चलो ठीक है, कितना आंसर आया? रुपीस 2068। तो डायग्राम क्या बनवा रही थी फिर? आद्या बोल दी तो उसके बाद फिर हम बनाने लगे थे। अच्छा बाकी लोग बताओ जी, बनेगा? अब इसका इनर पार्ट ये करना है तुमको, पेंट करना है, तो क्या निकालना होगा दोनों शेप का? सीएसए, सीएसए एंड कोन का भी सीएसए, दोनों का सीएसए निकाल करके ऐड कर लेना बस। ठीक है सर, आंसर कितना बोले? 2068। हाँ बाकी लोग को बना लेने दो। सर एक मिनट, थोड़ा ऊपर कीजिएगा, हम प्रीवियस क्वेश्चन ही नहीं लिखे हैं पूरा। क्या बोल रही है सर? प्रीवियस क्वेश्चन दिखाइए ना, हम पूरा नहीं लिखे हैं। बन गया सेकंड सबसे? यस सर। ओके लक्ष्य और रिद्धिमा तुम्हारा जवाब नहीं आया जी, बन ही गया होगा। लक्ष्य रिजेंट करता है, रिद्धिमा? हाँ सर बन गया। बोला करो एक बार में, तीसरा लिखो। रेशियो दे रखा है रेडियस और हाइट का, कौन का ही है उसका रेडियस एंड हाइट, इसका रेशियो दे रखा है 4:3। ठीक है 4:3 रेशियो है। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस 154 cm² है। ठीक है इसका सीएसए निकालना है। इसका सीएसए निकालना है। सर 192.5 है क्या?
सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया सबसे। इसमें स्लैंट हाइट भी नहीं दिया है ना, स्लैंट हाइट भी तुमको फाइंड आउट करना पड़ जाएगा इसमें। यस सर, नहीं दिया। स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट करना हो जाएगा, फाइंड करो फिर। फोर्थ नंबर बन जाएगा, जिससे बताते चलना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, नाइन्थ का, वो सब हम नहीं करवा रहे हैं। बड़े आगे। यस सर। चलो ठीक है, लिखो एक और क्वेश्चन इस पे। दो कोन का डायमीटर इक्वल दे रखा है, तो पूरा लिख लो, पूरा लिख लो। द डायमीटर्स ऑफ टू कोन्स आर इक्वल, द डायमीटर ऑफ टू कोन्स आर इक्वल if their slant height are in the ratio five is to four, find the ratio of their CSA. सर रेशियो तो सेम रहना चाहिए ना। 5:4 सर। क्या रेशियो सेम रहना चाहिए ना? मुझे क्या पता सर, सेम होगा सर। 5:4 ही सर, सेम होगा 5:4। चलो ठीक है, हाँ सेम ही रहेगा 5:4 सर, लेकिन हम निकाल के बताए। बाकी लोग तुक्का मारा क्या? हाँ सर, अब स्लैंट हाइट ही रेशियो में है तब तो सीएसए का वही होना चाहिए। हाँ रेडियस ही सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है चलो सर, हाइट का रेशियो पूछते तब थोड़ा हाइट रहता तब तो अलग बात हो जाती, हाइट था ही नहीं इसमें। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराते हैं सर, प्लीज कंप्लीट क्वेश्चन लिखिएगा ना, हमको आपका कोई आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। बाकी लोग को आ रहा है आवाज अच्छे से? यस सर। अच्छा उसी को दिक्कत है, लिखो। अ कॉनिकल पीट, ए एनसीईआरटी का ठीक है, ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 meter, 3.5 है, 12 meter something something, NCERT का ही है ये, कितना? 12 meter, फिर और था क्वेश्चन में पार्ट, 12 meter deep, what is the capacity in kiloliter? इसका कैपेसिटी निकालना है किलोलीटर में, बस हमको जानना है कितने वो किलोलीटर का। सर 38.5 है क्या आंसर? हाँ याद है, हम बनाए हैं। नहीं सब के सब गलत हो गए, 38.5 है 100%। सर मैं नहीं बोला। हाँ 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 बनाया, 38.5 किलोलीटर इज द आंसर।
कुछ भी नहीं है तो डायमीटर थ्री सर आपके बोलने से थोड़ी होता है। अरे सर वही तो, अरे गजब कर रखा है ये लोग, इन किलो लीटर हम पूछ रहे हैं। सर हम लोग भी 38.5 किलो लीटर बोल रहे हैं। यस सर, मेरे को 154 दिखा हुआ है आंसर, देख लो कौन सही है कौन गलत। नहीं सर 38.5 सही है। रुकिए सर देख के आते हैं। देख के मेरे तो सामने ही कॉपी है। भरोसा ही नहीं कर रहा है तुम लोग, बोल रहे 150 बना के देख लीजिए ना सर, 38.5 ही आएगा। अच्छा देख लेंगे फिर, मैं भी आंसर गलत दिया हुआ हूँ। सर अगर 38.5 हुआ तो पार्टी दीजिएगा ना। ठीक है देखते हैं ना, इसे पार्टी कहाँ से आ गया। अच्छा इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका तुम्हारा 3.5/2, ठीक है 1.75, और हाइट 12 हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 × π r² यानी 35/20 × 35/20 × height हो गया 12। देख लेते हैं क्या होता है इसका। निकला स्वयं तू ये कह जो बच रहा है। यस सर वही है, मैं निकाल लिया अभी तुरंत निकाला हूँ। 38.5 ही है। यस सर। अच्छा सर आपको विश्वास ही नहीं होता है। अरे तो बुक में आंसर दे रखा है, ये जो हम क्वेश्चन जहाँ से उठाए वहाँ पे यही दे रखा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है हम गलत दे रखा है मेरे बुक में, आपके यहाँ से 3 और 3 भी कैंसिल ही हो जा रहा है। हाँ उतना ही जा रहा है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 6। ये बनाओ तो जरा, अ सिलेंडर अगर नहीं बनेगा तो घर पे बनाना, लेकिन ये हम नहीं बना रहे तुम्हें ही बनाना है। Is within the cube, मतलब एक सिलेंडर क्यूब में है, टचिंग टचिंग। सर ये भी एनसीईआरटी से है ना? ना ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये जाना पहचाना लग रहा है, ऑल वर्टिकल फेसेस कुछ ऐसे। हाँ तो हाँ इसमें दो चीजें, ये मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन, पता नहीं हम तो ऐसा उठाए। अ कोन इज इनसाइड, अ कोन इज इनसाइड द सिलेंडर, मतलब क्यूब के अंदर तुम्हारा ये सिलेंडर के अंदर, सॉरी क्यूब के अंदर सिलेंडर गया और सिलेंडर के अंदर तुम्हारा कोन चला गया है, तो अ कोन इज इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, इफ देयर हाइट, इफ देयर हाइट्स आर सेम, ये तुम्हें ही बनाना है, मैं नहीं बना रहा इस क्वेश्चन को, अगर नहीं बनता है तो घर पे बनाना विद द सेम बेस। सर इसमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है ना? हाँ तो आंसर भी बता ही दो। आंसर याद नहीं है? नहीं याद है आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो, अगर नहीं बनता है तो तुम्हें ही बना के आना है। सर π/4। π/4 क्या क्या बोल दिया जी तुम? सर 3:1 है क्या आंसर? ना अरे 3:3 सर मेरा सॉलिड है यहाँ पे और दो ही में रेशियो निकालेगी, सिलेंडर है क्यूब है एंड कोन भी है।
सर 42:33:11 लोग हिस्ट्री का क्लास बना दिया, मैथ के क्लास को सर बना के निकाले सर, इसका याद नहीं था मेरे को। बढ़िया, जिसको डाउट है पूछो ये क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम लोग बना लिया है तो अभी डिस्कस कर लेंगे। बनाने का कोशिश करो। बनता है तो बताना। सेवन नंबर तब तक लिख दे रहे हैं। One of seven जिसे बन गया है six। पता चला हम क्वेश्चन ही लिख रहे, कोई आंसर ना दे दे। Sir, one है सके कौन सा 1:4 मतलब हमें बोलते हैं तू करके दे देता है 1:4। ठीक है तो दो मिनट टाइम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन। पहले सिक्स में किसी को डाउट है तो पूछो। सिक्स में अध्याय बन गया था सिक्स सर? दोनों बन गया। ओके हिमांगी सर 1:4 है ना तब बन गया। ठीक है सर 4:1 आएगा ना। 1:4 प्रवीण यस सर दोनों बन गया सर। सिक्स नंबर में थोड़ा बता दिए स्टार्टिंग। ठीक है रिद्धिमा सर सिक्स बता दीजिए सेवन बन। ओके पहले सिक्स क्वेश्चन पढ़ के कुछ पता चला क्या हो रहा है? देखो क्या है, एक क्यूब है उसके अंदर तुमने क्या करा, एक सिलेंडर डाला है। ठीक है अब यहाँ पे देखो क्या चीज लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज तुम बताओ खुद ही, जैसे एक क्यूब है ये सोच के तुमको बताना है, जिसका हम सिर्फ बेस लिख रहे हैं। ठीक है सिर्फ बेस के बारे में बता रहे, इसका बेस 4 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है तुमको इसके अंदर एक सिलेंडर डालना है, सिचुएशन भी यही था एक सिलेंडर डालना है। तो तुम बताओ वो जो सिलेंडर डालेगी उसका जो बेस होगा सर्कुलर बेस होगा उसका डायमीटर कितना होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए कि वो उस क्यूब के अंदर चला जाए बताओ। रिद्धिमा बताओ एक क्यूब है उसके अंदर तुमको सिलेंडर डालना है तो वो जो सिलेंडर है उसका जो सर्कुलर बेस होगा उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा? हाँ जी प्रवीण बोलो सर। कोन के कोन का साइड के ऊपर कोन पे हम अभी पहुंचे ही नहीं, हम अभी सिर्फ सिलेंडर की बात कर रहे हैं। कितना? 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर
अरे तुम अगर जैसे इसको इमेजिन करो ना, अगर तुम अगर क्यूब है ठीक है, उस क्यूब में तुमको एक डालना है सिलेंडर, तो उसका जो बेस होगा सर्कुलर बेस होगा उसका मैक्सिमम डायमीटर 4 ही रहेगा ना। क्वेश्चन में देखो 4 हम क्यों बोल रहे हैं मैक्सिमम लेने, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये टच कर रहा है ऑल द वर्टिकल फेसेस को, ठीक है, ये सारे वर्टिकल फेसेस को टच कर रहा है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब सिलेंडर का बेस का डायमीटर 4 होगा। क्लियर हुआ है चीज? यस सर। रिद्धिमा तुम बताओ। देखो अभी इससे भागो मत, क्योंकि 10 में एग्जैक्टली इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा जब हम कन्वर्जन ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़ाएंगे। तो रिद्धिमा बताओ इसको। नहीं सर, नहीं समझे, एक बार और बताइए ना। नहीं समझी? अच्छा इसको ऐसे, यार आज कैमरा भी मेरा ये हो गया ना, नहीं तो बता देते अच्छे से। जैसे क्यूब को इमेजिन करो, ठीक है, समझ रही है, उसमें एक सिलेंडर डालो क्यूब में, तो उस जो क्यूब में जो तुम सिलेंडर डालेगी उसका जो उसको उस सिलेंडर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस क्यूब के सारे वर्टिसेस को टच भी कर रहा है, उस क्यूब के सारे वर्टिसेस को टच भी कर रहा है। तो देखो कुछ सिलेंडर का, देखो हम सर्कुलर बेस यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, कुछ इस तरीके से होगा, बताओ सर्कुलर बेस, बोलो रिद्धिमा। हाँ। तो इसका डायमीटर कितना जाएगा? 4 सेंटीमीटर उठ जाएगा। समझ में आया कुछ? एग्जैक्टली टच कर रहा है सारे वर्टिसेस को, और तुमको फिर उस सिलेंडर में ये डालना है, क्या बोलते हैं, कोन डालना है, तो ऑब्वियसली कोन का भी जो सर्कुलर बेस होगा उसका भी डायमीटर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब तुमको सबका रेडियस पता चल गया, 2 सिलेंडर का और कोन का, अब तुमको जो रेशियो निकालना है वो निकाल लेना। समझ में आया या नहीं आया बताओ। हाँ सर समझ गया। पूछेंगे तुमसे ही क्वेश्चन जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़ाएंगे, तो अगर गलत जवाब दी तो फिर सोच लेना, अगर समझ गई है ना तो तुमको ही बताना है, आएगा क्वेश्चन जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शुरू करेंगे। तो झूठ नहीं बोलो, समझ गए, समझ गए तो ऐसे अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखो, तो इफ एच कॉमा सी कॉमा कैपिटल वी आर द हाइट कॉमा सी एस ए एंड volume of a cone, prove that 3 pi v h cube minus c square h square less 9 v square equals to 0। सर ये आप बता दीजिए। हम क्या बता दे, हाइट सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, ये नहीं बनाएंगे, मार खाना है, बनाओ सर, बना दीजिए ना प्लीज ना, पहले बनाओ। अरे बड़ा कुछ नहीं है, आसान सा तो है ये, एच तो एच ही रह जाएगा, सी इज अब सर बनाने बैठे तो सर स्पॉइलर्स मत दीजिए। ठीक है चलो बनाओ, फिर बनाओ। सर प्रूव दैट 3 के बाद क्या लिखे? 3 पाई। ओके सर। पाई
सर हो गया प्रूफ। बढ़िया बहुत सही। सर हम एक बार लीव करके रीजॉइन करें, शायद आपका आवाज आ जाए। ठीक है करो। सर बन गया। बढ़िया। बाकी लोग स्वयं रिद्धिमा प्रवीण बना रहे हो? सर बन गया। ओके प्रवीण एंड रिद्धिमा। सर नहीं बना। नहीं बना? काहे नहीं बना जी? एच इज द हाइट, सी इज द सी एस ए ऑफ कोन। तो पहले तो यहाँ से तुमको सी हो गया सी एस ए ऑफ कोन, तो वो क्या होता है पाई आर, एल होता है, तो एल कितना हो जाएगा? एल अगर तुमको फाइंड आउट करना है तो ये क्या दे देगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यस सर। ठीक है समझ रहे हो? यस सर। एंड फिर आगे देखो तो सी एस ए कितना पता, ये जो सी का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और जो ये कैपिटल ये वी है वो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे इस इक्वेशन में, इसमें पुट कर लो ना वैल्यू, तो थ्री इन पाई वॉल्यूम कितना आया, 1 बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, तो 1 बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच इंटू एच क्यू हो जाएगा। ठीक है सी सी स्क्वायर है, तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या दे देगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। और जब ये रूट वाले का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो। यस सर। समझ रहा है? तो फिर यहाँ पे सी के जगह पे क्या लिखोगे, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और इनटू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और होल मल्टीप्लाई। एल होगा कि आर होगा उधर? यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर? हाँ हाँ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, और तुम्हारा प्लस 9 इनटू वी स्क्वायर है, फिर वो लिख करके कैलकुलेट करना, जीरो के बराबर ले आना। कहाँ कैलकुलेशन ये चीज किए थे या नहीं किए थे प्रवीण? सर समझ ही नहीं रहा था क्या करना है क्वेश्चन में, बस एच इक्वल टू सी एस ए निकाल लिया, उसका वॉल्यूम निकाल लिया। आप समझ गया ना? यस सर। कर लोगे? यस सर। प्लस माइनस गुणा भाग जो करना है कर लेना। सर हम ना थर्ड लास्ट स्टेप में एल स्क्वायर को इसमें स्प्लिट किए थे तो उससे भी बन गया। हाँ ठीक है कैलकुलेशन बस सही होना चाहिए और कुछ नहीं, कैलकुलेशन सही होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर has a CSA, has a CSA 5550 centimeter square. Find its volume. बनाओ। देखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा इसका सोल्यूशन, इसे आराम से बनाना, गलती मत कर देना बीच में।
सर हम ये क्वेश्चन बनाए थे, इसका आंसर 1 2 3 2 है क्या? जाएंगे अगले दिन संन्यास ले लेंगे इस चैप्टर पढ़ाने से, गजब बेइज्जती कर देता है तू लोग भाई। क्या सर आप हमको मारेंगे? छोड़ दे एक रील का था। 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग को बना लेने दो। सर आर 7 आ गया अब, सर 1 2 3 2 हो जाएगा। रेडियस कितना आया? 7। ठीक है फिर, ये भी सही है। हाँ रेडियस इसका 3-7 सेंटीमीटर होगा तो तुम्हारा बालू निकल जाएगा। दो लोग का आंसर आया जी, बाकी लोग का नहीं आया है। रिद्धिमा तुम स्टेप बाय स्टेप बना रही है क्या एकदम? हाँ सैम? यस सर। एक एक स्टेप बना रहे हो क्या? नहीं सर, मैं सर पहले ये क्वेश्चन बनाया था फिर भी कम से कम टाइम लगा। इन लोग कैसे कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। रिसर्च करना कहीं बैठ के दोनों के ऊपर, और क्या करोगे? ये टिकटिस होता है, सीक्रेट सीक्रेट होता है तो शेयर कर दो, तेरा भला होगा और क्या। प्रवीण ये चैप्टर याद नहीं है, पिछला सिलेंडर वाला बहुत सारा क्वेश्चन ना देखा देखा लगता है। हाँ सिलेंडर इसमें थोड़ा चूक गए, सिलेंडर वाला ज्यादा अच्छा था। प्रवीण यस सर। बना जी सर, स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। हाँ ठीक है चलो बनाते हैं। रिद्धिमा बना रही है? हाँ तो बोलती नहीं कुछ। हाँ सर बस बना ही रहे। तुमको तरीका नहीं सिखाई अध्या? हाँ बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारी धोखा दे दी तुमको, देख लो। चलो बनाओ जी फटाफट। स्वयं का दोस्ती क्लास ही नहीं करता है बेचारा। सर बन गया। ठीक है देखो इसमें तुमको तो CSA दे रखा है 550। CSA कितना दे दिया है? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और CSA क्या होता है? पाई आर एल। तो यहाँ पे तो एल भी नहीं पता था इस क्वेश्चन में, तो पहले तो तुमको एल भी फाइंड आउट करना होगा। तो एल हो जाएगा रूट अंडर, रेडियस दे रखा है क्या? नहीं दिया है। तो आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 576। तो पाई 22/7 इंटू आर इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 576 इक्वल टू 550। ये क्वेश्चन आया था यहाँ से। क्या कर लेना अगर इसको इजीली सॉल्व करना है तो r इंटू आर स्क्वायर प्लस 576 इक्वल टू 550 इंटू कितना हो जाएगा इधर 7/22 हो जाएगा। ठीक है इजीली करना क्या हो तुमको, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना होगा। और यहाँ से 22 से 550 कैंसल आउट होगा क्या? यस सर होगा सर। 225 कितने बार में? 25 में गया ना। तो फिर यहां से तरफ स्क्वायरिंग कर लेना, दोनों साइड स्क्वायर कर लेना और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाना। ठीक है हो जाएगा। बताओ प्रवीण। यस सर आर का वैल्यू आ गया मेरा 7। ठीक है अब थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन देखते हैं, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना लिया तू लोग। कर लोगे ना ये चैप्टर ऑनेस्टली बताना तो एक एक करके, क्योंकि हम भी बस
फटाफट फटाफट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसमें कुछ कंसेप्चुअल चीजें बताए नहीं अभी तक। बताओ अध्याय हो जाता है ना इसका क्वेश्चन? हो गया सर। ठीक है, परसों करवा दें जो भी अगला क्लास, उसमें कुछ हटके क्वेश्चन रहेगा। हिमांगी बन जाता है? यस। प्रवीण कर लोगे ना भाई? मतलब अभी जैसे कुछ क्वेश्चन में भी ना बन रहा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आएगा एग्जाम में तो नहीं बनाओगे? नहीं सर, बना लेंगे। आ लेंगे। रिद्धिमा? हाँ सर, हो जाएगा, बस थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। पकड़ो अपने दोस्त को, उसको कैलकुलेशन का कुछ तरीका पता हो, बता नहीं रही है तुमको। इतने देर में तो मारपीट हो जाना चाहिए था, अगर ऑफलाइन क्लास रहता तो। सर आपको पता नहीं, हम अतुल सर से सीखे एक मस्त कैलकुलेशन का तरीका। अच्छा चलो, अब कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन। अलग तरीके का मतलब कैलकुलेटिव नहीं, कुछ लोग का एग्जाम चल रहा है इसलिए नहीं आया। लिखो सर, आज जल्दी नहीं छोड़िएगा। काहे का जल्दी छोड़ेंगे सर, प्लीज। कुछ क्वेश्चन है कर लो पहले, फिर कौन खत्म हो जाएगा, ताकि हम अगले क्लास में सीधा हेमिस्फीयर स्फीयर शुरू कर दें। कुछ एक क्वेश्चन और रह गया है, कर लो फिर छोड़ देंगे। कितना क्वेश्चन सर? बताते थोड़ी देर में सर। 5 सर काफी रहेगा ना? 5 भी नहीं है। हाँ चलो 5 है, वो भी आसान आसान सा है। The slant height of a cone is increased by 10% if the radius remains the same. If the radius remains same, the curved surface area increased by how much percentage? The curve. The noise. कर्व सरफेस एरिया सर, ये तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। रेशियो जब सेम रह गया था तो परसेंटेज भी सेम रह जाना चाहिए। इंक्रीज बाय, चलो ठीक है, 10% आंसर यही होगा। नेक्स्ट लिखो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे स्लैंट हाइट था ना, एक काम करते हैं, अब रेडियस को और हाइट को, चलो ठीक है तो इसको कर लो, रेडियस और हाइट को 20% से इंक्रीज कर दो। क्या करो, रेडियस एंड और हाइट, सर हाइट का क्या हुआ जो 10% पहले से था? वो क्वेश्चन तो रह गया उसमें, ये अलग क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इसका रेडियस और हाइट को 20% से इंक्रीज किया गया, ठीक है, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा सर? दोनों इंक्रीज हुआ है 20-20%। हाँ दोनों, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा सर? फर्स्ट वाला में क्या फाइंड करना है? फर्स्ट में फाइंड करना था कर्व सरफेस एरिया इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंटेज, तो यहां पे तो आंसर भी 10% ही होगा, ऐसा जस्ट सेम क्वेश्चन अभी करवाए थे। नेक्स्ट कर लो, रेडियस और हाइट इन दोनों को 20% इंक्रीज किया गया, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम से कितना से इंक्रीज करेगा वो बताना है। ये सब देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है, तो अगर बना जाओगे आंसर याद हो गया बहुत अच्छी बात है, तुरंत आंसर में टिक मार के आओगे। सर हम इतने श्योर हैं कि इसका कुछ पॉइंट में आंसर है ना? पता आपको कितना आ रहा है तुम्हारा? सर हम बनाए थे, मेरा उसमें पॉइंट में आया था 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73 में इंक्लूड कर लेना सर, मतलब हम सही बोले थे। चलो ठीक है, तो 73% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 73 पे टिक करना। चलो बढ़िया है, बना ही ले रहे हो सब कुछ तो।
ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन ऑफ वॉल्यूम वी आर डबल्ड। हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन ऑफ वॉल्यूम कैपिटल वी आर डबल्ड, ठीक है, आर डबल्ड, देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, बताओ। सर 8B। 8B सही है भाई, सही है। सर बन गया 8B। हाँ सर। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ कोन हैज, एक कोन में कितने कितने सरफेसेस होते हैं? दो। पक्का? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, दो हो गए। 13। सर 3 क्वेश्चन हो गए, 2 के बाद छोड़ दीजिएगा ना। अब क्वेश्चन ही नहीं है, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम हेमिस्फीयर और स्फीयर डिस्कस कर लेते हैं, या जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कुछ उस तरीके का करवा दे तुम लोग से। बोलो सर, अब नेक्स्ट क्लास सर प्लीज। अरे नेक्स्ट क्लास का ही हम पूछ रहे हैं, क्या करवाएं नेक्स्ट क्लास में? स्फीयर हेमिस्फीयर पढ़ा दे, मतलब एक ये होगा कि पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद हम कुछ अलग। यस सर, एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर आप पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हेमिस्फीयर और स्फीयर ये सब कंप्लीट कर लेंगे, फिर तुम्हारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है? पूछो पूछो जल्दी, जाना भी है तुम लोग को। अध्या कहीं दिक्कत? सर इससे रिलेटेड नहीं पूछना है, लेकिन एक चीज पूछना है। रुक जाओ फिर पूछ लेना। हिमांगी? नहीं सर। नो सर। रिद्धिमा एंड स्वयं बताओ। नहीं सर। नो सर। ठीक है, जितना क्वेश्चन करवाए उतना बना लेना और एनसीईआरटी एटलीस्ट सॉल्व कर लेना, ज्यादा इस चैप्टर में दिमाग मत लगाना, एनसीईआरटी सॉल्व करो, और जो भी ये सब क्वेश्चन हो रहा है इंक्रीज डिक्रीज वाला वो हम तुम लोग को लिखवा ही दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ आना जाना नहीं है अप टू क्लास 10, मतलब ये सॉरी 9th में। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है तो यही सब क्वेश्चन पूछता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया तो 2 times बढ़ गया 5 times बढ़ गया, यही सब पूछा जाता है। इससे फालतू क्वेश्चन इसके अलावा इसमें कुछ पूछा भी नहीं जाता है। हम एक बार देख लेंगे, कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाना होगा तुम लोग से तो हम एक बार ये चैप्टर खत्म करके उन सब चीज को हम करवा देंगे। ठीक है, चलो फिर बढ़िया है। हाँ जी बताओ, क्या पूछ रही थी?